कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती है, शाम को तुलसी का क्यारा दरवाजा सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो, और पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता, ना सुबह ना शाम। आज सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, और तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो, कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो, तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए, ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जब दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए, ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है। इसमें 14 दीप का, दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रखें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप